नौ से है। मुख्तार अंसारी के करीबी गणेश दत्त मिश्रा की 60 करोड़ संपत्ति पर चला बुलडोजर। अवैध तरीके अर्जित की गई संपत्ति पर चला बुलडोजर। जिला अधिकारी के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ ने गणेश दत्त मिश्रा की संपत्ति पर चलाया बुलडोजर। गणेश मिश्रा द्वारा अवैध तरीके से कमाई गई संपत्ति का निवेश कर यश विक्रम, अनिता देवी, प्रीति वर्कशीट, विजय कुमार आदि के नाम भूमि खरीद कर अवैध तरीके से अवैध कॉलोनी और प्लाटिंग की गई। गोपनीय सूचना मिली कि गणेश मिश्रा जो मुख्तार करीबी हैं उनके द्वारा इसके अवैध प्लाटिंग और अवैध कॉलोनी डेवलप करके निवेश किया गया था। इसके क्रम में आज आकस्मिक आकर के जिलाधिकारी नगर और लेखपाल विनिरीक्षक के साथ यहाँ पर मौके पर पहुँचा गया और जिलाधिकारी महोदय का एकदम स्पष्ट निर्देश, जो भी भूमाफिया हैं जो अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और ऐसे जो अवैध प्लाटर हैं उनको तोड़ने के साथ में आवश्यकता पड़े तो उनको जेल भेजने की कार्रवाई की। इसी क्रम में आपने देखा है कि लगभग 5 एकड़ लगभग जमीन जो अवैध प्लाटिंग की गई थी जिसको अभी भी तोड़वाया गया और भी प्लाटिंग सब तोड़ी गई हैं। लगभग मूल्य अभी लेखपाल साहब ने 60 करोड़ के नियर अबाउट बताया है। एक बड़ी धनराशि है जो अवैध प्लाटिंग जमीन पर की गई है और ये संजय सिंह गणेश भाई और अन्य के नाम से डेवलपर्स थे लेकिन अवैध कॉलोनी क्योंकि उनको नक्शा पास कर रखे था नहीं कराया, तो इस तरह से हम लोगों ने स्पष्ट कर दिया है जैसा सरकार की और माननीय जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है कि जितने भी भूमाफियाँ हैं और अवैध प्लाटर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया जाए। सर ये मुख्तार अंसारी का है सर? हाँ, गोपनीय सूचना तो यही है लेकिन ये है कि जैसा कि अवैध प्लाटर लोग तो कर अपने आप को नहीं बताएंगे लेकिन यह है कि गोपनीय सूचना है कि लोगों ने यहाँ पर पैसा निवेश कितना निवेश किया होगा सर? अब गिन लीजिए आप कि 60 करोड़ तो बाजारों मूल्य है और उसके हिसाब से अगर ज़मीन कितना भी कम खरीदा होगा तो 5 करोड़ 10 करोड़ से कम खरीदा नहीं होगा और उसमें निवेश 50 से 60% में बताते हैं। ये जाँच का विषय है, क्षेत्राधिकारी नगर इसकी जाँच गंभीरता से करेंगे और राजस्व विभाग भी यहाँ जाँच कर रहा है इसके अंतर्गत सरकारी ज़मीनें कितनी वर्तमान अभिलेख में। तो ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।